ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सर्वसाहूणं। ईसु पंच नमो यारु सव पाव पणासनो मंगराणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहंत मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लुगुत्तमा अरहंत लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपन्नतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि परम पूजनीय देवाधिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकंदलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततांजनानां यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारैः तोष्ये किलाहमपितं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्
किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद् विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मिः रश्मिः कुन्दावदात् चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छशाङ्क शुचिनिर् झरवारिधार मुच्चैस्तटन् सुरगिरेरिव शातकौम्भम् छत्र देखिए वहां शशांक बोलना है आपको बहुत सावधानी के साथ। अगर आपको शशांक ही बोलने की रुचि हो तो फिर ये अगला काव्य है। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैः स्थितं स्थगित साथ में मिला करके अनुस्वार को न जैसा बोलेंगे ना तो स्थगित बोलने में सरलता होगी। मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् ये मुच्चैः और स्थितम को एक साथ कर दीजिए। ऊपर की जो लाइन है ना वो मिला लीजिए, एक शब्द है वो। मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् फल नहीं बोलना है, फल बोलना है। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् प्रख्यापयत् त्रिजगतः यहां भी रुकना है परमेश्वरत्वम् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ऐसे मिलाकर नहीं बोलना। त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् प्रख्यापयत् त्रिजगतः यहां रुक जाना परमेश्वरत्वम् जो लोग नहीं रुकते हम समझते हैं कि वो शरीर से यहां विराजमान है। गंभीर तार रव पूरित ये हो गया था उच्चारण बाकी था। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस ये जो दूसरी पंक्ति का स है उसको यहां बोलना है पहली पंक्ति के अंत में। इसलिए उच्चारण जो है वो किसी के पास सीखना जरूरी है, नहीं तो सिर्फ किताब देख करके आप पढ़ने लगोगे तो गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग और स्त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्ष ये गलत उच्चारण होता है। तो विभागस और नीचे वाली लाइन में त्रैलोक के लोक शुभ स का उच्चारण नहीं करना,
त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन। साथ में क्यों आप कोरस कर रहे हो? खे दुंदुभिर ध्वनति ते यशस प्रवादी गंभीर तारव पूरित दिग्विभागस। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन। खे दुंदुभिर ध्वनति ते यशस प्रवादी गंभीर तारव पूरित दिग्विभागस। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन। खे दुंदुभिर ध्वनति ते यशस प्रवादी अब देखिए इसमें दुंदुभिर नहीं है, दुंदुभिर। पहले वाले द में भी ऊ है और दूसरे में भी ऊ है। खे दुंदुभिर ध्वनति ते यशस प्रवादी अब 32वें से 35वें काव्य तक का पाठ मूर्ति पूजक यानी मंदिर मार्गी देरावासी श्वेतांबर आमनाय में नहीं मानते और इसका पाठ स्थानकवासी तेरापंथी तो करते हैं श्वेतांबर आमनाय वाले और दिगंबरों में ये पूरे 48 काव्यों का पाठ है। तो ये वाला काव्य जो है आपको अनुराधा पौड़वाल जी का जो पुराना पाठ है भक्तांबर का उसमें नहीं मिलेगा, वो सीधे छत्रत्रयों के बाद में उन्निद्र हेम नव पंकज वहां पहुंच जाते हैं। तो यहां पर ये चार काव्य भी अपन अच्छी तरह से समझ लेंगे। ते दुंदुभि, आपका जो दुंदुभि नाम का प्रातिहार्य है, दुंदुभि कहते हैं नगाड़े को। नगाड़ा जानते हैं आप? अब यहां छोटे छोटे आकार के बने हुए ऊपर में जो इलेक्ट्रॉनिक बाजे बजते ना अभिषेक के समय, उसमें छोटे साइज के नगाड़े हैं। वैसे बड़े बड़े नगाड़े भी होते हैं, ऐसे डंडों से बजाए जाते हैं। तो दुंदुभि, ते दुंदुभि, अथवा ते का संबंध अपन यश के साथ भी लगा सकते हैं। तो दुंदुभि, दुंदुभि जो बाजा होता है नगाड़ा, वो कैसा होता है? तो गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग। गंभीर और तार यानी जोरदार, उच्च ध्वनि वाला। रव का अर्थ होता है आवाज, रव यानी स्वर, ध्वनि। तो गंभीर और ऊंची ध्वनि से पूरित दिग्विभाग, पूरित कर दिया है, भर दिया है दिग्विभाग को जिसने, नगाड़े की बात है, नगाड़े ने अपनी आवाज से उस दिशा को भर दिया है। किस दिशा को? जिस दिशा में भगवान का समवसरण है। आ रहा है ना समझ में? नहीं तो इसी की चिंता में लग जाओ कि कौन सी दिशा। तो ऐसी कोई कठिन बात नहीं है, जिस दिशा में भगवान विराजमान होते हैं वहां नगाड़े बजते हैं, तो उस दिशा के भाग को वो नगाड़े की आवाज भर देती है। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग। अब लेकिन गंभीर शब्द का अर्थ क्या हो गया? कि वो जो नगाड़े बजते हैं, अगर बच्चे के हाथ में दो डंडियां दे दो नगाड़े बजाने के लिए, तो फिर वो गंभीरता से नहीं बजाएगा, भड़भड़ 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 बजाने लग जाएगा। लेकिन वहां जो बजते हैं नगाड़े, वो गंभीर ध्वनि के साथ में एक व्यवस्थित ताल को लेकर के नगाड़े बजते हैं। और भगवान जिस दिशा में विराजमान होते हैं वो दिशा
नगाड़े की आवाज से भर जाती है, पूरित हो जाती है। और कैसा होता है नगाड़ा? त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्षिण। त्रैलोक के लोक, तीन लोक संबंधी जो लोग हैं अर्थात वहां के जो प्राणी हैं, उनके लिए शुभ संगम। शुभ संगम को अपन हिंदी में सत समागम कहते हैं। तो तीनों लोक के जो प्राणी हैं उनको सत समागम की भूति। अब यहां पर भूति शब्द का अर्थ जो है, भू धातु संस्कृत व्याकरण में भू सत्तायाम और भू प्रापणे प्राप्तौ प्राप्ति के अर्थ में भी होती है, और भू धातु उपस्थित रहने के अर्थ में भी होती है। तो यहां पर भूति शब्द का अर्थ प्राप्ति लेंगे। यद्यपि भक्तामर के अन्य अनुवादों में इसको उपस्थिति के रूप में लिया गया है, लेकिन जो अर्थ संगति है वो प्राप्ति के साथ बहुत अच्छी बैठती है। तो तीनों लोक के प्राणियों को सत्समागम की प्राप्ति कराने में दक्ष, ये दुंदुभी वाद्य जो होता है नगाड़ा, वो दक्ष होता है। दक्ष का अर्थ जानते हैं आप? कुशल। यानी नगाड़े की आवाज से तीनों जगत के प्राणी सत समागम को प्राप्त कर सकते हैं। और कैसा है दुंदुभी? तो सद्धर्म राज जय घोषण घोषक। और सन यानी अभी बतला देते हैं, सद्धर्म राज सच्चे जो धर्मराज हैं, सच्चे धर्म के जो राज यानी प्रमुख राजा हैं, उनके जय घोषण का घोषक, उनके जय घोष का घोषक। उनके जय घोष का अर्थ क्या है? भगवान ने किस पर विजय प्राप्त की है? कर्मों पर। तो भगवान का जय घोष करने वाला जो घोषक है वो होता हुआ, सन याने होता हुआ दुंदुभी, वह दुंदुभी वाद्य एक विशेषता और दे दी है, ते यशस प्रवादी, आपके यश का प्रवादी अर्थात कथन करने वाला। प्रकर्षेण वदति इत्येवंशील प्रवादी, खूब अच्छी तरह से प्रकट करने वाला भगवान के यश को। देखो जब युद्ध जीत करके राजा लौटता है तो नगाड़े बजते हैं कि नहीं? बहुत जोरदार बजते हैं नगाड़े। तो भगवान ने भी किसी को जीता है तो उसको प्रकट करने के लिए नगाड़ा बज रहा है, लेकिन विशेषता यह है कि भगवान का नगाड़ा जिस प्रकार मनुष्यों के नगाड़े धरती पर बजते हैं, विद्याधरों के नगाड़े विमानों में बजते हैं, तो जिनेंद्र भगवान के ये जो नगाड़े होते हैं ये कहां बजते हैं? तो खे ध्वनति, खे का अर्थ होता है आकाश में, आकाश में ध्वनित होते हैं, बजते हैं, भगवान के यश को प्रकट करते हुए बजते हैं। वैसे भारत के कई स्थानों पर एक परंपरा है, आपने भी कभी देखा हो, यहां नहीं तो कहीं और, जब किसी की मृत्यु होती है तब शव यात्रा में कुछ बाजे बजते हैं। ये पद्धति यहां गुजरात में है क्या? नहीं के बराबर। लेकिन अन्य कई स्थानों पर आप देखेंगे कि शव यात्रा में भी बाजे बजते हैं। वो बाजे किसकी विजय के बाजे हैं? वहां यमराज जीता है एक प्राणी पर, यमराज ने विजय प्राप्त की है, तो यमराज हमेशा विजयी रहता है, वो सबको हरा देता है। लेकिन यहां पर सद्धर्म राज जय, धर्मराज शब्द का अर्थ, एक अर्थ यमराज भी होता है, एक अर्थ तो तीर्थंकर होता है और दूसरा अर्थ यमराज भी होता है। तो यमराज पर भगवान ने जो विजय प्राप्त की है उसकी घोषणा का घोषक कौन है?
उस विजय घोष का घोषक दुंदुभी बाजा है। तो भगवान के समव शरण में आकाश में आसपास नगाड़े बजते हैं, भगवान ने मृत्यु को भी जीत लिया इस उपलक्ष में। और नगाड़े जो होते हैं वो यहां पर तो एक वचन में दिया है, एक जाति के होते हैं, बहुत सारे होते हैं पर होते एक जाति के, इसलिए एक वचन दे दिया। वास्तव में 12.5 करोड़ नगाड़े होते हैं। समव शरण के चारों तरफ आकाश में वो पुष्प वृष्टि करने वाले देवों के विमान मिलेंगे आपको, अथवा वो सारे नगाड़े बजाने वाले देव आपको दिखाई देंगे। तो चारों ओर 12.5 करोड़ नगाड़े बजते हैं। और सिर्फ नगाड़े बजते हैं ऐसा नहीं है, नहीं तो आप सोचेंगे कि सिर्फ रिदम होगा और फिर म्यूजिक नहीं होगा तो कैसे सुनने में आनंद आता होगा, साथ में म्यूजिक भी रहता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तीर्थंकर भगवान के 8 प्रातिहारियों का चित्रण करते हुए नंदीश्वर भक्ति में लिखा है कि वीणा, बांसुरी आदि अनेक प्रकार के वाद्य बजते हैं और ताल दुंदु भी वाद्य से होती है। ताल जो होता है वो दुंदु भी बाजे का होता है, वहां तबला, ढोलक, नाल, ड्रम्स, जाज, इन सब का कोई काम नहीं है, वहां पर दुंदुभी बाजों से ही वो ताल मिलती है और बाकी बाजे देवता लोग बजाते रहते हैं। करोड़ों वाद्य बजते हैं, जब नगाड़े 12.5 करोड़ हैं तो फिर बाकी बाजे कितने होंगे, कल्पना करो आप। देखो एक गीत में एक या दो तबले का सेट होता है और बाकी वाद्य कितने सारे होते हैं, ट्रम्पेट, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन, कीबोर्ड, वायलिन्स, गिटार्स, ऐसे कितने सारे बाजे होते हैं, बांसुरी, सितार वगैरह, और फिर ताल तो कम होते हैं, ताल के वाद्य जो होते हैं वो कम होते हैं तो भी काम चल जाता है, लेकिन बाकी वाद्य अधिक होते हैं। तो फिर आप सोचो कि जब 12.5 करोड़ ताल के वाद्य हैं भगवान के समव शरण के पास, तो फिर और वाद्य कितने होंगे, वीणा, बांसुरी आदि। और जैन मंदिरों में कुछ वर्षों पूर्व, कुछ दशक पूर्व कह लें अपन, बाजे गाजों के साथ ही भगवान की पूजा होती थी। फिर श्रावक लोग अपने आप को थोड़ा वीतराग समझने लगे और उन्होंने उसका त्याग कर दिया। अब बाजे नहीं बजते, अब अपने गले से जैसी आवाज निकलती है बस वो चाहे मधुर हो चाहे जो भी हो उसी में पूजा हो जाती है। और उन बाजों के स्थान बने रहते थे, आप पुराने क्षेत्रों में जाकर देखिएगा, पपोरा जी में और थुभोन जी में और अन्य जितने भी ऐसे पुराने क्षेत्र हैं, तो मंदिर में जब आप एंटर करेंगे द्वार के पास तो वहां पर ऊपर ऐसे स्थान बने रहते थे वाद्य बजाने के, और वो वाद्य जब बजते थे और उसके साथ जब संगीतमय पूजा होती थी। देखो बात यह है कि राग राग में फर्क होता है, ये जो पूजा करने संबंधी राग है ये अगर आप भगवान का गुणगान करने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये राग शुभ राग की श्रेणी में चला जाता है, और अगर आप विषय कषायों की पुष्टि के लिए संगीत का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो अशुभ राग होता है, रेडियो मिर्ची। तो उसमें क्या होता है कि अपने अंदर के विकारों की पुष्टि होती है उस राग में, उस राग का तो त्याग नहीं किया और यहां का जो भजन संबंधी राग था उसका त्याग कर दिया और बड़े वीतराग बन गए। तो ऐसे ढोंगी वीतरागी बनने की शिक्षा जिनेंद्र भगवान के धर्म में नहीं है। जब तक आप सराग हैं तो आप वीतराग हो नहीं सकते, ये सिद्धांत है। इसलिए याद रखना कि सराग अवस्था में या तो राग अशुभ होगा या शुभ होगा। अब आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है कि राग तो है मेरे पास, अब उस राग को कैसा बनाऊं मैं, शुभ या अशुभ। तो फिर भगवान की पूजा भक्ति आदि करते समय
आप शुभ राग का इस्तेमाल करो तो फिर देखो उसमें अपना मन और स्थिर होता है, क्योंकि रागी जीव को कोई आलंबन चाहिए मन स्थिर करने के लिए, और अगर संगीत का आलंबन मिल जाए तो वैसे किसी भरी सभा में कोई आपस में चर्चा करता हो, लेकिन अगर वक्ता दो पंक्तियां संगीत के साथ सुना दे तो सन्नाटा खिंच जाता है। कई बार हमने इस बात का अनुभव किया है कि अगर कोई एकाध दोहा संगीत के साथ सुना दिया जाए तो पूरी सभा शांत हो जाती है, और फिर कोई उपदेश सुनाने लग जाओ तो मान लो किसी के सिर के ऊपर से बाउंसर जा रहा हो तो फिर वो बाजू वाले से चर्चा चालू कर देता है, क्योंकि कब तक चुप रहे हैं, कब तक झेले तो फिर वो दूसरी चर्चा में लग जाता है। तो संगीत का अपना प्रभाव है, तो उसका शुभ अगर इस्तेमाल किया जाता है, प्रशस्त राग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो अनुचित नहीं है। इसलिए मंदिरों में भी अगर संगीत के साथ भगवान की पूजा की जाती है तो उचित है, लेकिन वर्तमान में जो संगीत पार्टीज आती हैं और फिर विधान आदि के अनुष्ठानों में वो पूजा की पंक्तियां फिल्मी रागों में पड़ती हैं तो वो भी प्रायः अशुभ राग की श्रेणी में ही चला जाता है, क्योंकि कहां डिस्को का रिधम और कहां जिनेंद्र भगवान की अर्चना, कहीं मैचिंग नहीं है। मैचिंग लगती है क्या? आप सोचिए कि जिनेंद्र भगवान की पूजा करते समय अगर कोई अनिल कुंबले की टोपी पहनकर पूजा करे तो मैच होगा? हो ही नहीं सकता। जहां की जो व्यवस्था है वहां उस प्रकार की पद्धति ही अपनानी चाहिए। जिनेंद्र भगवान की पूजा फिल्मी रागों में करना उचित नहीं लगता। आप खुद भी विचार करके देखिएगा कि दूर से सुनने वालों को, जैनेतर लोगों को उस धुन को सुनकर के क्या लगता होगा, क्या लगता होगा? अब उसको तो वही गाना याद आएगा ना, उसको थोड़ी पता है कि आप कौन से शब्द बोल रहे हैं। और फिर जो छोटे बच्चे हैं, आपके ही बच्चे जैनियों के, उनको क्या समझ में आता है उस धुन को सुनकर? उनको भी वही फील होता है। तो फिर ऐसी धुनें क्यों आप अंगीकार करना? अब फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि फिर आप बताइए कौन सी धुन इस्तेमाल करें, तो उसके लिए फिर थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। और फिर आज भी वो संगीत भारत में जीवित है कि जिससे पूजा की ऐसी धुन हो सकती है कि जिसमें सब लोग भक्ति रस में चले जाएं। अब उसमें क्या है कि नृत्य रस में चले जाते हैं लोग। वो जो संगीत बजाया जाता है पूजा के समय विधानों में, उस समय लोग दूसरे प्रकार के डांस की तरफ चले जाते हैं, और वो ऐसा लगता नहीं कि वहां पर भक्ति का वातावरण है। और फिर कुछ कलाकार तो ऐसे हैं कि जैसे ड्रम्स बजाने वाले हैं या ढोल बजाने वाले हैं, वो तो बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा जैसा रोल करने लग जाते हैं, ऐसा पीटते हैं वो ड्रम्स को। पता नहीं, भक्ति संगीत में तो शायद ऐसी भावना या फिर इस प्रकार की परिणति संभव नहीं है। भक्ति संगीत में तो एक अलग प्रकार के भाव आते हैं, और यदि कीर्तन की भी स्थिति बनती है, अगर भाव विभोर होकर के लोग ऐसे ऐसे झूमने भी लग जाते हैं, तो उसमें भी वो वाली विकृति नहीं आती जो उन फिल्मी धुनों में आ रही है। इसलिए इस बात पर भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए, और फिर इसकी खोज और फिर इसका रास्ता निकालना चाहिए कि भगवान के विधानों में, बड़े बड़े पूजन विधानों में किस प्रकार का संगीत इस्तेमाल किया जाए कि जिससे भक्ति रस प्रवाहित हो, डिस्को रस प्रभावित न हो, प्रभावित नहीं प्रवाहित न हो। तो गंभीर तार, इसी गंभीर शब्द से इतनी बड़ी व्याख्या हो गई। आ गया ना समझ में आपको कि माने भक्ति कर रहे हैं अपन भगवान की, तो फिर वहां पर जो भी संगीत इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी एक गरिमा होनी चाहिए। तीन लोक के नाथ हैं सामने वेदी पर, कौन विराजमान है? त्रिलोकी नाथ। और उनके सामने संगीत भी उतना भारी होना चाहिए
ऐसा हल्का फुल्का नहीं होना चाहिए, उसकी भी एक गरिमा और गंभीरता होनी चाहिए। तो भगवान के समावसरण में वो बात होती है, और होती क्या है, वो तो सर्वोत्कृष्ट रूप से होती है। और जब इंद्र ने सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ा होगा, तब कैसा संगीत दिया होगा बाकी देवों ने, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। आज जब बड़े बड़े संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में जो पुराने गीत होते थे, शंकर जय किशन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत आदि, तो ये लोग जब संगीत देते थे तो एक साथ लाइन से 50 वायलिन बजाने वालों को बैठा देते थे और फिर उनको नोटेशंस दे देते थे कि ऐसा आपको बजाना है, ताकि उस स्थान पर सुनने वाले की आंखों से आंसू निकले बिना ना रहे। और एक वायलिनिस्ट भी अगर कहीं चूकता था तो उनके कान इतने ट्रेंड होते थे संगीतकारों के कि वो बोलते थे कि आप थोड़ा सुधार लीजिए, अभी वो बात आनी चाहिए। वो ये नहीं बोलते थे कि गलत बजा रहे हो, वो उनकी भाषा हमेशा प्रोत्साहन की रहती है। वो बोलते थे कि अभी वो बात आप और अंदर जाकर के बजाओ, तब निकलेगी वो बात। उसको निराश भी नहीं करते थे कि तुम गेट आउट, ऐसा नहीं करते थे, तुम और प्रयास करो तब वो बात आएगी। और फिर वो जो संगीत निकलता था उसमें, तो वो संगीत आज भी अमर गीत है वो। अब जैसे संसार है एक नदिया, ये गीत है मुकेश जी ने, आशा भोसले जी ने गाया है। अब उसमें जो प्रारंभ में वायलिन बजाई है वो उत्तम सिंह नाम के एक सरदार जी ने बजाई है, और उस वायलिन से बिल्कुल एटमॉस्फेयर उनने बदल दिया। कोई कहीं से भी घूम फिर करके आ रहा और उस पीस को सुन ले वो, तो उसका मूड गंभीर हो जाएगा। और फिर जब उसके शब्द सुनेगा तो फिर शब्द सुन करके और गंभीर हो जाएगा। उत्तम सिंह जी ने जो भक्तामर की सीडी अभी आपको मिलने वाली है, वो एक गंभीर राग में हमने गाई थी। उसको मिक्सिंग के बाद जब सुना तो फिर उनने हमारे लिए प्रणाम भेजा था, और फिर उनने इस बात पर खुशी व्यक्त की थी कि आज भी ऐसे संगीत का निर्माण, ऐसी धुन का निर्माण हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो निराश हो गए हैं, बहुत सारे लोग तो आज के धूम धड़ाके वाले संगीत को सुनकर हताश हो गए कि अब वो पुराना संगीत कैसे आ सकता है। यद्यपि पुराने राग से आज के लोगों को पसंद आए ऐसे गीत बनाए जा सकते हैं, वो तो क्या है कि जैसा परोसो व्यक्ति को वैसी आदत पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि वातावरण न बदल सकता हूं, आज भी वो बात हो सकती है। तो उस समय वो स्थिति थी। और फिर संगीत का जैन शास्त्रों में अभाव नहीं है, ये बात और सुन लेना। कोई सोचे कि भाई संगीत तो अशुभ राग है, लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं है। जैसे ज्ञानार्णव में संगीत का निषेध किया कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए संगीत से बचो, लेकिन इसमें यह समझना आवश्यक है कि कौन से संगीत से बचो। स्तोत्र पढ़ना ही बंद कर दो क्या? संगीत से बचने का मतलब कि स्तोत्र भी मत पढ़ो, ऐसा तो नहीं है। पर कौन से संगीत से बचना है? जो विषय कषाय को बढ़ाने वाला संगीत है उससे बचो। अन्यथा आचार्य पार्श्वदेव स्वामी एक दिगंबर आचार्य हुए हैं, अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो एमए में संगीत पढ़ाया जाता है, अमरावती यूनिवर्सिटी में जो एमए में संगीत पढ़ाया जाता है, वो दिगंबर जैनाचार्य द्वारा रचित संगीत समय सार ग्रंथ पढ़ाया जाता है। आपने नाम सुना है कभी? संगीत समय सार नाम का एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, और उसके रचयिता दिगंबर जैनाचार्य पार्श्वदेव है। उनका वो ग्रंथ वहां पर एमए के कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो आचार्य पार्श्वदेव स्वामी ने जब संगीत पर ग्रंथ लिखा है, तो फिर इससे तो ये समझ में आता है कि सारा संगीत विषय कषायों की पुष्टि करने वाला नहीं हो सकता। और अगर होता तो फिर ये मानना पड़ेगा कि आचार्य पार्श्वदेव स्वामी ने अपना समय खराब किया, और जितने लोग उनके ग्रंथ को पढ़ेंगे
उनको भी पाप का आश्रय होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिप्राय में फर्क होने से घटना भिन्न फल को प्रदान करने वाली होती है। तो इस तरह दुंदु भी बाजे 12.5 करोड़ बजते हैं, और वहां पर जब इंद्र ने सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ा होगा तब तो क्या कहना। सुनने वाले भाग्यशाली होंगे जिनको वो पाठ सुनने मिला होगा, पर आज भी सौभाग्य से सहस्रनाम स्तोत्र अपने को आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में दिया है, तो उसका पाठ आज भी बहुत से लोग करते हैं। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जब अपना संस्मरण सुनाते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे कि आचार्य ऋषि उनसे बार बार कहते थे कि पंडित जी अब देखो उम्र ढल रही है आपकी, आप संघ में आ जाओ, मुनि न बनना हो क्षुल्लक बन जाओ, क्या बात है। तो फिर पंडित जी उस बात को टाल देते थे, क्योंकि एकदम से दीक्षा के लिए कोई तैयार थोड़ी हो जाता है। और फिर एक बार आचार्य शिवसागर महाराज श्री के संग में कुछ साधुओं को स्वप्न आया कि पंडित जी ने दीक्षा ले ली, तो फिर पंडित जी जब अगली बार आए तो फिर उन महाराजों ने याद दिलाया आचार्य श्री को कि देखो वो बात कहना है पंडित जी से। तो फिर सब लोग पंडित जी आने पर मुस्कराने लगे, पंडित जी पूछे कि क्या बात है, तो फिर बोलते हैं कि यहां कुछ मुनिराजों ने स्वप्न में आपकी दीक्षा देखी है। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि मुझ में शक्ति कहां है दीक्षा लेने की, ढलती उम्र है, मैं कैसे दीक्षा ले पाऊंगा। और फिर पंडित जी को आंसू आ गए कि देखो मेरे भाव तो हो नहीं रहे दीक्षा के, लेकिन मुनियों को मेरी दीक्षा स्वप्न में दिख रही है। और इस बीच फिर एक ऐसी घटना हो गई, दुर्घटना, हमने जो संस्कृत सीखी थी मध्य कौमुदी वगैरह वो पंडित जी के पास रह करके सीखी थी, और करीब 36 रचनाएं हमने पंडित जी के साथ स्वाध्याय में पढ़ी थी, और बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत भाषा के, भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में उनकी गणना थी। तो उनके साथ हमें 93, 94, 95, 96, 97 इतने वर्षों का स्वाध्याय लाभ प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने ये घटना सुनाई कि जब वो एक्सीडेंट हुआ उनका, एक बार एक्सीडेंट क्या मतलब किसी गाड़ी से तो नहीं, लेकिन सीढ़ियों से वो नीचे गिर पड़े, और नीचे गिरने के बाद जीवन भर के लिए उनका पैर खराब हो गया। तो फिर उनको इस घटना के बाद बहुत अधिक पीड़ा हुई कि देखो आचार्य शिवसागर महाराज श्री ने भी मुझे दीक्षा के लिए इनडायरेक्टली संकेत दिया था, और आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने भी कहा था कि क्षुल्लक अवस्था तो कम से कम धारण कर सकते हो, लेकिन मैंने इन आचार्यों की बात पर ध्यान नहीं दिया, आज इस दुर्घटना के बाद मैं दीक्षा का पात्र नहीं रहा। रोते थे पंडित जी, आंखों में आंसू आ जाते थे। तो ऐसी स्थिति कभी बन जाती है कि कुछ अच्छे काम अपन समय रहते नहीं करते और समय निकलने के बाद कर नहीं पाते। देखो ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि जब शक्ति होती है तब भावना नहीं होती, जब भावना होती है तब शक्ति नहीं होती। तो जब तक शक्ति है तब तक भावना जगा लेना ही बुद्धिमानी है। गूंज उठा है दिशा भाग पा जिसकी ऊंची ध्वनि गंभीर, जग में सबको हो सत्संगम इसमें जो पटु और अधीर, कालजयी का जय घोषक बन नभ में बजता दुंदुभी वाद्य यशोगान नित करे आपका
जय 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 तीर्थंकर आद्य जय जय आदीश्वर स्वामी। जय जय आदीश्वर स्वामी। जय जय आदीश्वर स्वामी। जय जय आदीश्वर स्वामी। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, एकदम सरल पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद घा, घ बोलना, ध नहीं बोलना, धन का ध नहीं है, वो घर का घ है। रुद घा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपादा दिव्यादिव पततिते वचसांत तिर्वा। मंदार सुंदर नमीर सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्घा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्यादिव पततिते वच शांततिर्वा। अब पुष्प वृष्टि नामक प्रातिहार्य का चित्रण। पुष्प वृष्टि, अब कौन से पुष्पों की वृष्टि हो रही है तो बतला रहे हैं। मंदार, मंदार। और राल शब्द सुना आपने, राल। पहले कभी लोमा हेयर ऑयल आया करता था तो उसमें राल का प्रयोग होता था, उससे बाल काले रहते हैं, सघन रहते हैं। तो राल जो होता है एक प्रकार एक वृक्ष की छोट छाल का सूखा हुआ हिस्सा रहता है, रेजिन्स जो रहते हैं, गम्स रहते हैं पेड़ों में, गोंद टाइप का, तो उसका पाउडर जो रहता है सफेद रंग का, वो राल कहलाता है। और वो कौन से पेड़ से निकलता है, तो इससे, मंदार से। और मंदार जो रहता है, आपने आंकड़ा देखा, अकौवा, बिल्कुल वो अकौवा ही है, लेकिन उसके फूल पूरे सफेद होते हैं, उसको आंकड़ी बोलते हैं कुछ लोग। हनुमान जी के मंदिर में वो चढ़ाए जाते हैं। एक तो अकौवा जो है उसमें कुछ वायलेट कलर से रहता है, बैंगनी रंग भी फूलों में, लेकिन जो ये मंदार होता है वो बिल्कुल अकौवे जैसा रहता है, बस उसका फूल पूरा का पूरा सफेद मिलेगा आपको, उसमें वो बैंगनी कलर वायलेट कलर नहीं होगा। तो ये मंदार। फिर सुंदर नमेरु, अब सुंदर जो है किसी फूल का नाम नहीं है, किंतु सुंदर नमेरु का विशेषण है। नमेरु का अर्थ होता है रुद्राक्ष, नमेरु रुद्राक्ष। फिर सुपारी जात, अब सुपारी नाम सुनकर खुश मत हो जाना, वो वाली सुपारी नहीं है। सु माने सुंदर श्रेष्ठ, पारी जात, पारी जात नाम का एक पुष्प होता है। और संतानक ये भी एक प्रकार का फूल है। ये सारे पुष्प जो हैं देवों के विमानों संबंधी कल्प वृक्षों के पुष्प है, यहां मनुष्य लोक के फूल नहीं है। ये जो पुष्प वृष्टि में देवता लोग फूल बरसा रहे हैं ना समोसरण में, ये सारे फूल वहां से आते हैं, देवलोक में जो कल्प वृक्ष है ना वहां से। तो संतानक और आदि शब्द से और भी ऐसे बहुत सारे पुष्प, क्योंकि इतने चार पांच प्रकार के फूल नहीं होंगे वहां देवलोक में, जैसे यहां धरती पर कितने प्रकार के फूल होते हैं, गुलाब चंपा चमेली जूही, ऐसे कितने प्रकार के फूल होते हैं। तो देवताओं के उस विमान में भी कितने प्रकार के फूल होते होंगे। तो आदि कुसुमों की
कुसुम का अर्थ होता है फूल, और उनका उत्कर, उत्कर का अर्थ होता है उनके समूह, यानी फूलों की बरसात आकाश से गिरती है। कहां पर? भगवान के समवसरण में। लेकिन वो बरसात कैसी होती है? कैसी होती है वो वृष्टि? तो उद्घा, उत्कृष्ट होती है। अब इसमें क्या उत्कृष्ट, उत्कृष्टता कैसी? आपके मन में शंका उठ सकती है कि वो वृष्टि, अब फूल तो उत्कृष्ट है ये ठीक है, लेकिन उसकी वृष्टि जो हो रही है वो उत्कृष्ट किस रूप में है? तो इसका समाधान ये है कि जैसे शादी ब्याह में या फिर कभी किसी के स्वागत में फूल बरसाए जाते हैं, आपने देखा हो कभी ऊपर से लोग खड़े रहते हैं और फिर ऐसे जैसे वो नीचे से निकलते हैं ना दूल्हा वगैरह, तो फिर ऊपर से ऐसे फूल बरसा देते हैं। तो वो जो बरसने वाले पुष्प होते हैं सामान्य पुष्प वृष्टि में, उसमें क्या होता है कि धरती पर गिरने वाले वो फूल कुछ ऐसे उल्टे भी गिर जाते हैं, कुछ आड़े तिरछे भी गिर जाते हैं, और कुछ एक के ऊपर दूसरे भी गिरते हैं, अनेक प्रकार से वो फूल गिरते हैं। लेकिन यहां समवसरण में जो पुष्प वृष्टि होती है वो पुष्प वृष्टि ऐसी होती है कि उसके डंठल नीचे ही की तरफ रहेंगे और पंखुड़ियां पूरी ऊपर की तरफ रहेंगी, एक भी फूल अधोमुखी होकर के नहीं गिरेगा, सारे फूल ऊर्ध्वमुखी होते हैं। सही बात है कि भगवान के चरणों में झुकने वाला अधोमुखी कैसे हो सकता है, मतलब नीचे की गति में कैसे जा सकता है, उसकी तो ऊर्ध्व गति ही होती है। और देखिए क्या विशेषता है पुष्प वृष्टि की, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। वो पुष्प वृष्टि गंधोद बिंदु सुगंधित जल बिंदुओं के साथ गिरती है, यानी सिर्फ फूल नहीं बरसते साथ में बारीक पानी के कण भी वहां पर बरसते हैं। अब आज के मौसम में आप अगर कल्पना करें कि पानी के कण बरस रहे हैं फूलों के साथ तो बड़ी सर्दी लगती होगी, लेकिन समवसरण में ऋतु संबंधी कोई बाधा वहां के प्राणियों को नहीं होती। भगवान के प्रभाव से वहां किसी को गर्मी सर्दी आदि पीड़ा नहीं देते। तो सुगंधित जल कणों के साथ वो वृष्टि होती है फूलों की। और कैसी वृष्टि होती है? तो शुभ मरुत और मंद प्रपात। देखिए यहां पर क्रम जो है इस प्रकार से लगाना पड़ेगा, शुभ का संबंध मरुत के साथ लगाना और मंद का संबंध प्रपात के साथ लगाना। देख रहे हैं आप उस पंक्ति को, कहां लिखा है शुभ? तीसरी पंक्ति में लिखा है। और मंद कहां लिखा है? उसके बाद लिखा है। तो शुभ मरुत, शुभ मरुत का अर्थ था वायु। और कहीं आया मरुत शब्द? दो बार और आया है, पहले 15वें और 16वें काव्य में, कल्पांत काल मरुता, और उधर 16वें में गम्यो न जातु मरुता। वो मरुत का अर्थ था वायु। तो शुभ मरुत, शुभ मरुत कहते हैं सुगंधित वायु को। तो सुगंधित वायु के साथ मंद प्रपाता, वो जो बरसात गिरती है फूलों की वो मंद प्रपात के साथ गिरती है। मंद प्रपात का अर्थ होता है धीमे धीमे गिरती है, स्लो मोशन में, जैसे फिल्मों में स्लो मोशन में कुछ गिरता है ना ऊपर से, स्लो मोशन में मतलब धीमे धीमे वो वृष्टि गिरती है। एकदम फूल जैसे दूल्हे के सिर पर फूल डाल दिया तो पड़ 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 सब गिर गए एक साथ, वैसा नहीं, यहां पर धीमे धीमे वो फूल नीचे आते हैं और सारे के सारे फूल ऊर्ध्वमुखी होकर के गिरते हैं। और इतने फूल बरसते हैं समवसरण में, अष्टपावड़ की टीका में लिखा है कि उस समय के जो मनुष्य होते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे तो उस समय के सारे मनुष्य 500 धनुष के रहते हैं,
ऐसा मत समझना कि बाकी सब एकदम छोटे छोटे गुलीवर और लिलीपुट के उस दृष्टांत के समान होते होंगे। नहीं, सारे मनुष्य उस समय उसी अवगाहना के रहते हैं। तो घुटने तक समवसरण फूलों से भरा होता है। समवसरण घुटने तक फूलों से भरा होता है पूरा। और जब मुनि महाराज प्रवेश करते हैं तो फूल ऐसे खिसक जाते हैं अपने आप, और मुनिराज ऐसे चले जाते हैं और अंदर पहुंच जाते हैं अपने कक्ष में। वरना समवसरण की जो भूमि होती है उसमें इतने फूल बरसते हैं कि घुटने तक के वो फूल भरे रहते हैं। तो ऐसी दिव्या पुष्प वृष्टि, दिव्य फूलों की वर्षा, दिव्य यानी दैवी, देवकृत। और दिव्य का दूसरा अर्थ मनोहर भी होता है, सुंदर भी होता है। तो आपको जो भी अच्छा लगे अर्थ ले सकते हैं आप। तो ऐसी दिव्य पुष्प वृष्टि, सुंदर अथवा देवकृत पुष्प वृष्टि, दिवह पतति, आकाश से गिरती है किसके समान? ते वचसान ततिर वा, आपके वचनों की पंक्ति के समान। मतलब ऐसा लगता है उस दृश्य को देखकर कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है। तो वो दिव्य ध्वनि इतनी मधुर है, इतनी सुंदर है, इतनी हितकारी है कि पुष्प वृष्टि जो साथ में हो रही है उसको देख करके ऐसा लगता है कि भगवान की वाणी ही फूलों का रूप धारण करके बरस रही है। कितना कॉम्बिनेशन, कितना सुंदर लग रहा है कि भगवान की वाणी ही। अब देखिए, वाणी कानों का विषय है लेकिन आंखों से वो वाणी फूलों के रूप में बरसती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ये एक उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा यानी कल्पना, अलंकार कहलाता है, एक प्रकार का अलंकार है। पारिजात मंदार नमेरु संतानक है सुंदर फूल, जिनकी वर्षा नभ से होती उत्तम दिव्य तथा अनुकूल। सुरभित जल कर्ण पवन सहित शुभ होता जिसका मंद प्रपात, मानो तब वचनाली बर से सुमनाली बनकर जिन नाथ। जय जय आदीश्वर स्वामी, जय जय आदीश्वर स्वामी। अब भगवान के आभा मंडल का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान का आभा मंडल, सभी का आभा मंडल होता है लेकिन अभी यहां भगवान के आभा मंडल की बात है। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतान द्युतिमाक्षिपंती, अनुस्वार का उच्चारण न के समान। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। वैसे सौम्याम पाठ अधिक प्रचलन में है, सोम सौम्याम, अपन दोनों का अर्थ देख लेंगे। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतान द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। सोम सौम्या, यहां संभाल के बोलना है, नहीं तो सोम सौम्या नहीं बोलना। पहली बार सोम बोलना है और दूसरी बार सौम्या बोलना है। सो और सौ दोनों में अंतर है। दीप्त्या जयत त्यपि निशामपि सोम सौम्या,
शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतान् द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या ते विभो हो, आप विभू हैं। जिनेंद्र भगवान जो है ना, उनका एक नाम विभू आया था कहां पर? 24वें काव्य में। 24वें काव्य में विभू शब्द आया, त्वाम अव्ययम् विभुम अचिंत्य। तो ते विभो, आप विभू के। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा, शुंभत यानी जगमगाते हुए दे दीप्यमान, प्रभावलय प्रभावलय यानी प्रभामंडल आभामंडल, उसकी भूरी विभा भारी आभा, भगवान के भामंडल की भारी आभा कैसी है? लोकत्रये तीनों लोक में द्युतिमान जितने प्रकाशमान पदार्थ हैं उनकी द्युतिम आक्षिपन्ति, उनकी द्युति अर्थात प्रकाश आभा को प्रभा को आक्षिपन्ति, आक्षिपन्ति यानी तिरोहित करती हुई। तिरोहित करने का मतलब क्या होता है? जैसे इसको दबाती हुई, जैसे, या उसको जैसे मान लो सूर्य का उदय हो जाता है तो फिर चंद्रमा की कांति तिरोहित हो जाती है, दब जाती है। वैसे ही भगवान की आभा जो है तीनों जगत के सर्व कांतिमान पदार्थों की कांति को दबा देती है, लज्जित कर डालती है। और दीप्त्या यानी अपनी दीप्ति की अपेक्षा, दीप्ति का अर्थ रोशनी होता है, तो वो जो आभा होती है उसकी रोशनी कैसी होती है? तो रोशनी की अपेक्षा से देखो तो भगवान के आभा मंडल की आभा प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, उगते हुए दिवाकर निरंतर अंतराल रहित भूरी संख्या, भारी संख्या में अगर सूर्य एक साथ उदय को प्राप्त हो जाए। अभी एक सूर्य का उदय होता है तो फिर अंधेरा नष्ट हो जाता है, तो एक साथ अगर अनेक सूर्य उदय को प्राप्त हो जाए तो कितनी रोशनी होगी? तो बस वैसी रोशनी भगवान के आभा मंडल में होती है, यानी भगवान के आभा मंडल की आभा करोड़ों सूर्यों को भी फीका कर दे, इतनी जबरदस्त आभा होती भगवान के आभा मंडल की। अब फिर प्रश्न उठेगा कि इतनी प्रखर आभा अगर भगवान के आभा मंडल की है तो एक सूरज को तो लोग देख नहीं पाते, फिर भगवान के आभा मंडल को देखने से तो लोगों की आंखें खराब हो जाएगी। तो सूर्य की आभा से आंखों को कष्ट होता है, भगवान की आभा से भव भव का कष्ट नष्ट होता है, इसलिए उसका खुलासा करने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि सोम सौम्या वो आभा जो होती है दीप्त्या करोड़ों सूर्यों से बढ़कर होती हुई भी सोम सौम्या चंद्रमा जैसी सौम्य होती है। सोम किसको कहते हैं? चंद्रमा को, इसलिए ज्योतिष में सोमवार को चंद्रवार भी कहते हैं। तो चंद्रमा जैसी सौम्य होती भगवान की आभा, भले करोड़ों सूर्यों को भी फीका कर दे लेकिन चंद्रमा जैसी सौम्य होती है। और निशाम अपि जयति, रात्रि को भी जीत लेती है, अर्थात समवसरण में कभी रात नहीं पड़ती, भगवान की आभा के प्रभाव से समवसरण में कभी रात्रि का प्रवेश नहीं होता। और ये आभा सबके पास होती है। अभी रूस के एक वैज्ञानिक ने किरलियान जिसका नाम था,
फोटोग्राफिक प्लेट में विद्युत को प्रवाहित करके देखा और फिर फोटो खींचा, तो विद्युत को प्रवाहित करने पर वो जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, कैमरा की जो रील होती है, उस रील में जिसका फोटो खींचते हैं उसका चित्र तो आता नहीं, किंतु उसकी रोशनी आ जाती है, आभा आ जाती है उस फोटो में। और उस तकनीक को आज वैज्ञानिकों ने बहुत आगे बढ़ा लिया और अब एडास टेक्नोलॉजी आ गई है फोटोग्राफी की। एडास टेक्नोलॉजी का मतलब एडवांस डिजिटल ऑरा स्कैन टेक्नोलॉजी। तो उसमें अगर आप फोटो खिंचवाओगे तो आपका चेहरा भी आएगा और साथ में आभा भी आएगी, अलग अलग रंग वगैरह सारी चीजें उसमें दिखाई देगी। अहमदाबाद में करते हैं एक सज्जन, और हमने एक बार चर्चा भी की थी कि उन्होंने भगवान की आभा को नापना चाहा था गोमटेश्वर बाहुबली में जाकर के, तो उनका यंत्र निष्फल हो गया, असफल हुआ। माने उनके यंत्र में बाहुबली भगवान की आभा पकड़ में नहीं आई, और फिर उनने फिर किसी दूसरी जगह जाकर के नापा जो उतना पुराना और उतना अतिशय युक्त जिनबिंब नहीं था। तो वहां जाकर के जब नापा तो वहां मंदिर जी में जो प्रतिमा रखी थी उसकी आभा 90 मीटर आई। 90 मीटर तक वो एनर्जी उस यंत्र में आ रही थी। वो यंत्र उन्होंने हमें दिखलाया था, उस यंत्र में 90 मीटर तक भगवान की एनर्जी जाती थी। और फिर उन्होंने ये भी शोध करके देखा कि भगवान की 3 परिक्रमा लगाने पर परिक्रमा लगाने वाले की आभा अभी जो है उससे दुगनी हो जाती है। मात्र 3 परिक्रमा आप लगाओ भगवान की अच्छी भक्ति भाव से, तो फिर आपकी आभा डबल हो जाएगी, आपकी एनर्जी जो पहले थी उससे दुगनी हो जाती है। तो सबके पास आभा होती है अपनी अपनी, लेकिन भगवान की जो आभा होती है, अब जब गोमटेश्वर बाहुबली की आभा यंत्र में नहीं आ रही है, तो फिर साक्षात तीर्थंकर भगवान जब समवसरण में विराजमान होते होंगे तो फिर उनकी एनर्जी का तो क्या कहना, 100 योजन तक तो वैसे ही सुभिक्ष रहता है। तो बहुत अद्भुत आभा होती है भगवान की, और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान की आभा को देखने वाले को अपने 7 जन्म दिख जाते हैं उस आभा में। जैसे दर्पण में अपने को अपना वर्तमान मुख दिखता है, वैसे भगवान की आभा में दर्शक को अपने 7 भव दिखाई देते हैं। है ना, अनोखी बात है ना। आपको पहले से भी जानकारी रही होगी, कुछ लोगों को, जिनको नहीं रही होगी उनके लिए एक आज खुशखबरी है ये कि भगवान के दर्शन करने पर उन समवसरण में उनकी आभा में अपने को देखने वाले को 7 जन्म दिखते हैं। अब कोई पूछे कि भाई कोई ऐसे भी जीव जाते होंगे जो उसी भाव से मोक्ष जा रहे हैं, तो उनको वर्तमान का दिखेगा और पीछे के 6 दिख जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। और सामान्य रूप से देखो तो फिर पीछे के 3, अभी का 1 और आगे के 3 दिख जाते हैं। तो जिसके जैसे भाव रहेंगे उसके हिसाब से वो दिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भगवान के समवसरण में उनकी आभा के अंदर 7 जन्म दिखाई देते हैं। विभो आपके जगमग जगमग भामंडल की प्रभाविशा, त्रिभुवन में सब की आभा को लज्जित करती हुई त्रिकाल, उज्ज्वलता में अंतराल बिन अगणित उगते सूर्य समान, तो भी शशि सम शीतल होती हरे निशा का नाम निशान। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी।
जय जय आदिश्वर स्वामी। बोलिए आचार्य श्री मानदुंग स्वामी की है। हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। इस प्रार्थना के बारे में अभी किसी ने प्रश्न किया था कि ये कैसी प्रार्थना है महाराज, सब लोग तो यही प्रार्थना करते जाते भगवान के सामने, और आपने ये प्रार्थना की है कि नहीं यह प्रार्थना। तो बात यह है कि ऐसी प्रार्थना सब लोग करते हैं और सफलता नहीं मिलती। देखो आप कितने लोग प्रार्थना करते हैं हमारे कष्ट मिट जाएं, लेकिन मिटते हैं कष्ट, और इसके आगे देखो दुखों में साथ दे कोई, ऐसी प्रार्थना भी कितने लोग करते हैं लेकिन देता है कोई साथ। फिर आगे देख लो आप, रहे सुख की सदा छाया रहती है क्या, पूरी एक एक लाइन देख लो जहां जहां हमने नहीं लिखा है वो ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो प्रायः असफल होती है। इसलिए अपन ऐसी प्रार्थना नहीं करते जो फेल हो जाए, अपन ऐसी सॉलिड प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार ना हो हम, यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी।
बढ़े धन संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, रहे संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी, दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी, करें बर्ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, सुधर जाएं स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी, दुखों में आपको ध्याए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, कभी ना आपको भूलें, यही है भावना स्वामी, स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे, वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को,